नमस्कार। आज जो है वीडियो बनाने का मकसद है कि आज जो है 29 तारीख है और आज जो है नगर पालिका के एग्जाम था। और पहले भी हम लोग कह चुके थे कि हाँ, जो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो पहले भी चिल्लाते थे और हम भी चिल्लाते थे कि जरूर धांधली होगा, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, ब्लूटूथ नियोजन नीति नहीं चलेगा। और आज वही हुआ नगर पालिका एग्जाम में। आप सोच सकते हैं कि कितना धांधली हुआ। आज लगभग सेंटरों में, जो धनबाद का एग्जाम सेंटरों में कॉपी खुला हुआ था, आज रांची में भी इस तरह देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सच में ये धांधली हुआ ही है। अगर नगर पालिका में इस प्रकार हुआ, लैब असिस्टेंट में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटरों में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, मतलब कि जो होता है कैंडिडेट का होता है। उसके बाद आप जो है जेई परीक्षा में देख सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली होता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के साथ गरीब छात्र जो है शोषित और पीड़ित है, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में गरीब छात्र नौकरी कैसे लेंगे, आज उसी के लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है, साथ में आप लोग तो पहचान ही रहे हैं कि छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो आगे का रणनीति क्या होगा, नहीं होगा, इसी से जानते हैं। दादा, सभी को जोहार। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था कि यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी के बेटा बेटी का, माटी पुत्रों का नौकरी होगा, लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य के अंदर बहुत साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज 29 तारीख को नगर पालिका का परीक्षा था, जिसमें एक ऐसी सनसनीखेज और मैंने हार्ट अटैक स्तर का एक ऐसा खबर आया है कि 137 कोड नंबर झारखंड राजधानी रांची के बहु बाजार स्थित संपल कॉलेज सेंटर में जो है कि कई ऐसे बुकलेट नंबर गायब थे, पूरे बुकलेट नंबर ही गायब थे। कोई ऐसे बुकलेट नंबर पर जो है कि पेन से और मार्कर से लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य और सबसे खतरनाक बात कि कई ऐसे बुकलेट जिसका सील मिसिंग था, सील नहीं था। तो आप बताइए, बुकलेट नंबर नहीं दिया गया था तो बुकलेट जो नंबर दिया गया था उस क्वेश्चन को बेच दिया होगा और फोटोकॉपी करके परीक्षा हॉल में जो है कि छात्रों के बीच बांटा गया और कुछ में पेन पेंसिल में लिख दिया फोटोकॉपी करके कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, साफ साफ वहाँ पर दिख रहा है कि सील है नहीं। और ये बात कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा आधार है कि संतपाल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट, एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट, ये तमाम लोग इस बात को लिखित रूप से एक्सेप्ट किए हैं कि यहाँ के सेंटर पे कई बुकलेट पर जो है कि बुकलेट नंबर नहीं था, कोई बुकलेट पर पेन मार्कर से बुकलेट नंबर लिखा हुआ था, कोई बुकलेट पर सील मिसिंग था, नहीं था। तो सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये सिर्फ नगर पालिका परीक्षा का मामला नहीं है, ये तमाम परीक्षा जितना भी अभी परीक्षा ली जा रही है, सभी परीक्षाओं का यही स्थिति होने वाला है। आप देखें कि जो रिजल्ट आया लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, आंसर की जारी कर दिया, रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया। अब उसको लेके का उसको हथौड़ा झलमुड़ी बचेगा उसको लेकर के। आप बताइए, ऑफलाइन एग्जाम होता था तो उसको कार्बन कॉपी रहता था जिससे वो आंसर की मिला करके गलत होता था, उसको चैलेंज करता था, लेकिन रेस्पॉन्स की दिया नहीं है, आंसर की दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसे ऐसे छात्र जो दावा ठोक रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि 95% लाए हैं, लेकिन आज उनका रिजल्ट नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य को कहीं जाके बोल भी नहीं सकता है, चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रेस्पॉन्स की दिया नहीं है। और रिजल्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि नॉन आयोन डिजिटल सेंटर यानी डमी सेंटर, जो 5 सेंटर पर सिर्फ 35% से ज़्यादा रिजल्ट आया है, जिसमें कर्मवार रिजल्ट आया है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उस पर भी पेपर लिख हुआ था या उस पर भी सेटिंग गेटिंग ब्लूटूथ नीति हुआ था। अब उसका जेई का भी यही कहानी है कि 28 तारीख को जो आयोजन किया गया था उस पर एक सेंटर शिवा इन्फोटेक का एग्जामिनेशन 6 दिन 7 दिन बाद 28 तारीख को परीक्षा हुआ था, 6 तारीख को उसका जो है कि रद्द कर दिया गया, वो भी बिना ठोस कारण बताए, अपरिहार्य कारण बता करके। तो कहीं ना कहीं JSSC पूरा का पूरा मनमानी कर रहा है, एजेंसी लोग खुले तौर पे यहाँ नौकरी बेच रहा है, पढ़ने वाले मेधावी छात्रों का भविष्य का मर्डर किया जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है। और हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जो ट्वीट रिट्वीट 7 लाख छात्र कौन है, कहाँ का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था 47 नहीं चलते, चाहे मुख्यमंत्री आवास घिराव हो या विधानसभा आवास घिराव हो या बंदी हो, सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम लोग बार बार चीख चीख करके
सकता है कि 60-40 नहीं चलता हूँ, इससे बहुत दुर्भाग्य होगा, ब्लूटूथ नीति आएगा नहीं चलेगा, माइक्रोफोन आएगा सेटिंग वेटिंग करेगा, क्योंकि बाहर से जो आएंगे आपका भारत के नागरिक के तर्ज पर झारखंड शब्द को गायब कर दिया है, तो वो लोग आके मेरिट के आधार पर नहीं चयनित होगा, वो लोग का मेधावी का चयनित नहीं होगा, बल्कि वो लोग सेटिंग वेटिंग करेंगे, खुरापात करेंगे। आज देखिए हर सेंटर पे ये चीज़ आपके सामने मौजूद है, और हम लोग बार बार कह रहे थे छात्र को कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन आप ही लोग के बीच का कुछ लोग आते हैं हम लोग को, और हम लोग को गुमराह करते हैं, हम लोग को तोड़ने का काम करते हैं। असली आंदोलनकारी को पहचानिए, नकलों से सावधान रहिए। और आज उन लोग का कुछ लोगों का कहने के कारण जो है कि छात्र लोग भी लास्ट में कहे कि परीक्षा होने दीजिए भैया, तो हम लोग तो पर भी बोले थे कि परीक्षा होने का खुशी नहीं होना चाहिए, परीक्षा तो आप कई ऐसा कोचिंग में, कई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में, कई ऐसा आपका तरह तरह का और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप परीक्षा देते हैं, तो यहाँ परीक्षा देने का खुशी नहीं होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन का, मेधावी का, चयनित का, यहाँ उसका खुशी होना चाहिए। लेकिन आप लोग बात मानते नहीं हैं, कुछ लोग आंदोलन होता है तो कहते हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये लोग नेतागिरी कर रहा है, और जब परीक्षा रिजल्ट आता है तो उसमें भी डिस्टर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस राज्य को बर्बाद करने के लिए हर कोई लगा हुआ है, तो आप लोग को सावधान रहना होगा। असली लड़ने वाले जो माथा फोड़ा रहे हैं, जो FIR झेल रहे हैं, जो घर का त्याग कर दिए हैं, जो शरीर को सुखा दिए हैं, क्यों, क्या है, एक ही मकसद है कि राइट सुधर जाए, पढ़ने वाले मेधावी छात्रों का सिलेक्शन हो, और कोई मंशा नहीं है। इस चीज़ को समझिए, और हम लोग तत्काल जो है कि FIR करने जा रहे हैं, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन पे भी योगेश भाई है, नंबर प्रेस कर देंगे, जो है कि उस पर कॉन्टेक्ट करिए। साथ ही साथ जो है कि अभी हम लोग JEE वाला जो, उसका भी ठोस कारण नहीं बताया, उसका भी जाँच का मांग करेंगे। और आज जो हम लोग का नगर पालिका का परीक्षा हुआ, इस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी नहीं लड़ेंगे तो सचिवालय का सारे के सारे सीट बेच दिया, बिक जाएगा, और फिर हम लोग का पंचायत से लेकर सचिवालय तक बाहरियों का कब्जा में आ जाएगा, और ये लोग आएगा तो राज्य का सेवा नहीं करेंगे, इस राज्य को लूटेंगे, चूंकि 20-30 लाख पैसा लेकर के अगर नौकरी लेगा तो राज्य का सेवा नहीं कर सकता है। इसीलिए तैयार रहिए, अब उग्र आंदोलन होगा, चूंकि समय की मांग है, नेता मंत्री लोग कुछ नहीं करेंगे, और हम लोग के आंदोलन के बीच में कुछ लोग आके, नकली लोग आ करके हम लोग को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, उन लोग को सावधान रहिए। और पहली बात यह है कि देवेंद्र दा इतना जो बोले, आप लोग अमल कीजिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो सरकार नियम बनाया है कि 1 करोड़ जुर्माना प्लस जेल 10 साल या JCC एग्जाम 10 साल नहीं बैठ सकता है, हम लोग को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे सरकार सीने में गोली मार दे, कोई हम लोग को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि राइट्स के लिए, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक पीड़ित किसान का बेटा हम लोग है, और बहुत ही पैसा खर्चा करके हम लोग पढ़ाई किए हैं, और पढ़ाई करने के बाद अगर सही का सही और गलत का गलत हम नहीं निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो कोई मायने नहीं रहता है पढ़ाई लिखाई। आप MTech और BTech, MTech या BTech या PhD कर रहे हैं, अगर सही का सही आप नहीं कर रहे हैं या गलत का गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि कोई पढ़ा लिखा आप नहीं है, एक मुर्दा के समान है। इसलिए आप मुर्दा मत बनिए, जीवित बनिए, और आगे आइए और लड़िए, अन्यथा सचिवालय का सीट सारा बिक जाएगा। इसलिए कम से कम सचिवालय को रोकने के लिए ये उग्र आंदोलन होगा। और जैसे देवेंद्र दा ने कहा कि लैब मतलब कि लैब जो टेक्नीशियन का जो लैब असिस्टेंट का जो है, उसके लिए हम लोग जो है सरकार पास फाइल करवा रहे हैं, केस कर रहे हैं, जिसको भी पिटिशनर बनना है, आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट करने के बाद स्पेशल हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको जुड़ना है, ताकि जब जल्द से जल्द हम लोग सरकार के प्रति तुरंत फाइल कर सके और न्याय हम लोग को मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दादा, धन्यवाद, जोहार।